वीडियो आपको अच्छी लगी तो 100 लाइक कर दीजिएगा। और बिना देर करते हुए आज की टीम शुरू करते हैं। बताया जा रहा है कि विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जनवरी 14 को लास्ट अपडेट मिलने वाला है, उसके बाद उसको कोई अपडेट नहीं मिलने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने पीसी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड कर लीजिए। और कंपनी का कहना है कि विंडोज 7 को जनवरी 14 को अपडेट मिलेगी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलेगी। और इसके बाद अगर आपकी पीसी हैक होती है या फिर कोई प्राइवेट फाइल गायब होती है, ऐसा कुछ कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो वो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो अगर आप अपने पीसी में विंडोज 7 रन कर रहे हैं तो उसको अपग्रेड करके विंडोज 8 विंडोज 10 चला सकते हैं, क्योंकि जनवरी 14 के बाद आपको कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर पीसी हैक होता है या कुछ होता है तो कंपनी जिम्मेदार। जितनी जल्दी हो सके आप अपने पीसी को अपग्रेड कर लीजिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले विंडोज 7 कौन सी तारीख को लॉन्च होगा। तो गाइस वीवो अपना जो स्मार्टफोन है वीवो S1 Pro वो लॉन्च करने वाला है जल्दी इंडिया में, और उसकी स्पेसिफिकेशंस और प्राइस निकल के आ चुकी है। बताना चाहता हूँ कि इसकी प्राइस 20,000 के अंदर ही होने वाली है, मतलब मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है। और इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको पॉपअप कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का इसमें पॉपअप कैमरा दिया गया है और 48 मेगापिक्सल का इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 8GB रैम और 128GB रोम होने वाली है, और प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया था 20,000 के अंदर में होने वाला था। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो जैसा ही ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा मैं आपको बताऊंगा। सैमसंग का अपना स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइन उसको लॉन्च करने वाला है, उसकी स्पेसिफिकेशन आगे है। बताना चाह रहा हूँ उसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस चलाते वक्त
फास्ट चार्ज करना है तो आप इस चार्जर को परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस है 499, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा नहीं है, आप खरीद सकते हैं। तो आपको ये चार्जर कैसा लगा हमें कमेंट